सभी को नमस्ते। आज हम अंतर्वृत्त की रचना की बात करते हैं। प्रश्न वाले जो 14.2 में दिया हुआ है, किसने आपके 4.6 से भी पूजा वाले संभव त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। क्या इसका परिकेंद्र व अंत केंद्र संपाति हो कारण से बताइए। एक परिकेंद्र नाम दिया, एक इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, अंत केंद्र आपको नाम है दिया। तो अंतर्वृत्त की रचना के अंदर अंत केंद्र की रचना करेंगे। अंत केंद्र की रचना करने के लिए कोणों का समद्विभाजक करते हैं। तो पहले तो आपको क्या करनी है, त्रिभुज के तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको। त्रिभुज बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि भाई ये आपके जो रेखा खींचेंगे 4.6 सेमी की, तो देखिए आप पहले 4.6 सेमी की रेखा खींचेंगे। देखिए ये होगी 4.6 सेमी। अब संभव त्रिभुज प्रत्येक भुजा 4.6 की होगी, तो जितना प्रकार हम खोलेंगे उतना ही प्रकार हमें, अब हमें 4.6 की रेखा खींचने के बाद 4.6 सेमी का प्रकार खोल लेंगे। प्रकार खोलने के बाद में यहाँ पर आप रख के और दो चाप काट लोगे, एक तो 4.6 से काटोगे और एक इससे 4.6 से काटोगे। अब आपको मिलाना कैसे है, एक रेखा तो आप इनसे मिला दोगे, दूसरी रेखा इनसे मिला दोगे और रेखा खींच के इसमें बता दोगे, इस प्रकार आपको करना है। तो चाप काटेंगे, त्रिभुज बन गया आपका। प्रकार खोल के जितना आप प्रकार खोल सको, मान लेते इतना खोल लिया हमने, इतना खोल लिया और हमने एक चाप काट दिया इस प्रकार। अब चाप यहाँ काटे जहाँ पर ये रेखा कटेगी वहाँ एक प्रकार रखना आपको, बाद में यहाँ पर रखना है, इस साइड का तो हो गया। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, इस साइड का काटना है, कोप में घुमा के इतना ही प्रकार रखना है आपको, काट दो एक आपको यहाँ पर रखे, एक आपका यहाँ पर रख लो, हो गया। अब सभी को इसको हम आपस में मिला देंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इनको इनसे मिला देंगे, इनको इनसे मिला देंगे। अब इनके बाद आपको चाप कट गए आपके, अब जहाँ दोनों चाप मिले आपके, कहाँ मिले आपके दोनों चाप, इस पर मिले, इन पर मिले ना, तो इन पर आप प्रकार रख गए। और प्रकार कहाँ तक खोलना आपको, ध्यान से देखिए, परिधि तक खोलना है। और परिधि खोलने के बाद में पूरा ये इस प्रकार आप गोल घुमा दोगे हाथ से और एक वृत्त बन जाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें आप इस प्रकार हमें वृत्त की रचना हो गई। कैसे बनाया हमने, इसके ऊपर दोनों जहाँ कटेगी वहाँ प्रकार रखे बनाना आप, वगैरह समय आ गया हो गया अंतर्वृत्त प्रति। अब इसके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे नाम ले लिए मैंने ए बी और सी, ये था आपका अंतर्वृत्त। अब एक किसी और पूछा है, क्या इसका परिकेंद्र अंतःकेंद्र संपाति है, तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, ये जो त्रिभुज है सभी भुजाएं बराबर आ रही है इसकी, सभी भुजाएं की 4.6 सेमी दोनों भुजाएं बराबर आ रही। अब भुजाएं बराबर आ रही, इसका तात्पर्य क्या हो गया, हमेशा एक परिकेंद्र अंतःकेंद्र संभव त्रिभुज में एक के होते हैं, संभव त्रिभुज के अंतःकेंद्र परिकेंद्र एक के होते हैं, अतः इसका परिकेंद्र अंतःकेंद्र क्या होगा, संपाति होगा, ये इसका कारण होगा। धन्यवाद सभी को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, देखो एक त्रिभुज के परिकेंद्र वृत्त की रचना कीजिए, भुजाएं क्रमशः 10.5 सेमी, 12.5 सेमी और 13 सेमी। अब यार परिकेंद्र के लिए भुजाओं का समद्विभाजक किया जाता है, किसका समद्विभाजक किया जाता है, भुजाओं का समद्विभाजक किया जाता है, अतः हमें परिकेंद्र वृत्त की रचना करेंगे। तो परिकेंद्र वृत्त में सबसे पहले बड़ी भुजा कैंसिल रहती है, दिखने और प्रकार खोलने में, तो हमने सबसे पहले इसमें आप स्केल लोगे, स्केल से आप 13 सेमी की रेखा खींच लोगे, 13 सेमी की एक रेखा खींच लोगे। अब 13 सेमी रेखा खींचने के बाद में आप प्रकार लिया और प्रकार से जैसे आपने 10.5 या 12.7 का प्रकार खोला, तो सबसे पहले हमने जो प्रकार खोल रखा है वो कितना खोल रखा है आपके पास, 10.5 का खोल रखा है। एक साइड से हम चाप काट देंगे, तो मान लेते एक बिंदु पर रखा आपने 10.5 का और आपने क्या कर दिया, एक चाप काट दिया ऐसे। इस साइड से आप कितने सेमी काटने हैं आपको, 12.5 सेमी का चाप काटने हैं आपको, जहाँ 12.5 सेमी आएगा उसको हमें कर देंगे।
12 पॉइंट 7 सेमी का प्रकार खोला और यहाँ चाप काट दिया। चाप काटने के बाद क्या करना है आपको, स्केल से दोनों मिला देंगे, एक इनसे मिला दिया और एक इनसे मिला दिया। इस प्रकार हम त्रिभुज रचना हो गई ए बी सी। ये जो भुजा थी वो 12.7 की हो गई और ये भुजा हो गई 10.5 सेमी। अब आपको परिगत वृत्त की रचना करनी है तो भुजाओं का समद्विबाह भाजक करते हैं तो हम आधे ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, लगभग माने इतना प्रकार लिया हमने किसी दो भुजा का, चाहे इस दो भुजा ले लो चाहे ये दो भुजा ले लो, दो भुजाओं का समद्विबाह भाजक कर। जैसे एक नीचे बड़ी वाली भुजा ली हमने तो यहाँ प्रकार रखे आपने, तो एक प्रकार यहाँ एक बार तो आपने यहाँ रख लिया, एक बार नीचे की तरफ हो गया। इसी प्रकार इस साइड रखेंगे हम, कॉपी घुमा लेता हूँ थोड़ी में, एक बार बाद में इस पर रखेंगे और एक बार आप इस पर रखोगे, हो गया। अब ये थोड़ा छोटा रह गया तो इनको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसी प्रकार इन दोनों चाप करने वहाँ मिला दिया आपस में। अब किसी एक भुजा इन में से ली, जैसे एक भुजा हमने ये ली चाप काटने के लिए, इस प्रकार, और एक एक साइड ले लेंगे और इसी प्रकार एक इनसे ऊपर ले लेंगे और एक इनसे ऊपर ले लेंगे और इस प्रकार दोनों समद्विभाजक हो गया, हो सके समद्विभाजक आ गया होगा, एक इनसे मिला देंगे, दोनों समद्विभाजक इनसे मिला देंगे। अब जहाँ ये जो आपके पास दोनों कट्टे हैं प्रकार कहाँ कहाँ ले रहे हैं, शीर्ष से समान दूरी पर रहना चाहिए, यहाँ तक प्रॉपर आ रहे हैं तीनों साइड, नहीं आ रहे। और आप ये क्या कर दोगे, एक वृत्त बना दोगे, इसमें घुमा दोगे चारों ओर से आप, इस प्रकार आपका एक वृत्त बन गया। देख सकते हैं आप, पहले इस पर रखा हमने प्रकार और इन पर रखिए, पूरा चारों तीनों बिंदु से स्पर्श करता हुआ और इस पर कटा हुआ, और इस प्रकार हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। ये बिंदु जो हो गया उसको क्या कहते हैं, हम परिकेंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, परिकेंद्र कहते हैं। इस प्रकार अंत वृत्त और परिकेंद्र की आपसी क्या हो गया, इस पर रिटिस करनी है दो के किस और करना है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके।